अब स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स 2022 में, ठीक है। तो बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले क्वेश्चन की, जो कि सेट ए में 31st नंबर क्वेश्चन है। कंसिडर दी फॉलोइंग्स, पहला है आरोग्य सेतु, सेकेंड इज कोविन, थर्ड इज डिजी लॉकर, फोर्थ इज दीक्षा। विच ऑफ दी एवव आर बिल्ड ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमसे क्या पूछा है, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म इनमें से कौन से हैं। तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये होते क्या हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में था इसीलिए क्वेश्चन पूछा, क्योंकि यूपीएससी का 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूज़ बेस्ड होते हैं। तो करंट अफेयर्स में था। कैसे, कोविड-19 के समय क्या हुआ, कोविड-19 के समय जो आरोग्य सेतु था, ठीक है, जो आरोग्य सेतु था उसको उस वो डाटा बताता कि कितने लोग कोविड पॉजिटिव हैं। तो बहुत सारे ये बोलने लगे कि नहीं नहीं डाटा जो है गलत बता रहे हैं लोग। डाटा क्यों गलत बता रहे हैं, कि भाई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि ज़्यादा लोग क्या हो टेंशन में आए, इसलिए डाटा गलत बता रहे हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, कि जो आरोग्य सेतु का जो प्रोग्राम था और जो कोड था ना, उसको क्या किया इन्होंने पब्लिकली ओपन कर दिया। भाई ये पब्लिकली ओपन कर दिया, तो इसको क्या कहा हमने, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा, ठीक है। पब्लिकली ओपन कर दिया मतलब क्या कहा, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा, ठीक है। तो आरोग्य सेतु तो होगा, है ना। और रिसेंटली पिछले साल ही क्या हुआ, कोविन, पीएम मोदी ने क्या क्या बोला, कोविन भी क्या है, एक तरह का ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और उसी तरह का डिजी लॉकर भी है, जहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स अपने जो होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो डिजी लॉकर भी और दीक्षा भी है, ठीक है। सो चारों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे अपने पास, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट इज डी, 1, 2, 3 एंड 4, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू वेब 3.0 कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी एनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। सेकेंड स्टेटमेंट, दी वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क। थर्ड स्टेटमेंट, वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रादर देन अ कोऑपरेशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है। तो पहले तो वेब 3.0 क्या है, इट इज नोन एज द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, है ना। फ्यूचर है किसका, इंटरनेट का। कैसे, क्योंकि अभी हमारा जो डाटा है वो कौन ओन करता है, गूगल है, याहू है, जितने भी हमारे पास सर्च नेटवर्क है वो ओन करते हैं। लेकिन जो वेब 3.0 का ये जो कहना है, ये क्या कहना है, कि जो डाटा है वो खुद पीपल खुद ओन करेंगे, ठीक है। पीपल ओन देयर डाटा, ये हो गया। और क्या है, और ये अब कैसे ओन कर सकते हैं भाई खुद का डाटा, बाय द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन का इन्वेंशन ही क्यों हुआ था, ब्लॉकचेन के मदद से ही तो क्या होता है, ब्लॉकचेन को हैक करना मुश्किल क्यों है, क्योंकि जब तक सारे लोगों की परमिशन नहीं मिल जाएगी किसी कोई इसको हैक नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो ब्लॉकचेन की मदद से वेब 3.0 काम करता है। और ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन में जो ब्लॉकचेन में जिसको ओन कौन करता है, इट इज़ नॉट ओन बाय अ कॉर्पोरेशन, इट इज़ ओन कलेक्टिवली, ठीक है। इसको कलेक्टिवली ओन करते हैं। ये तीन वर्ड हमको याद होने चाहिए किसके लिए, दिस थ्री वर्ड शुड बी रिमेंबर्ड विथ रेफरेंस टू वेब 3.0, ठीक है। वेब 3.0 में क्या है, पीपल्स ओन द डाटा, सेकंड ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, और थर्ड अगर ब्लॉकचेन पे बेस्ड है तो कौन ओन करे डाटा को, डाटा इज ओन बाय दी कलेक्टिवली रादर देन कोऑपरेशन, ओके। सो अब स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी एनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा, यस इट इज करेक्ट। सेकंड, द वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क, बिल्कुल सही है, ब्लॉकचेन पे बेस्ड होता है, इसीलिए सेकंड भी सही है। थर्ड, वेब 3.0 इज ऑपरेटेड बाय यूजर कलेक्टिवली रादर देन अ कोऑपरेशन, ये भी सही है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड है तो इसीलिए इसको सारे मिल के ओन करते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ब्लॉकचेन, ओके। सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 नंबर का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज सर्विस, विथ रेफरेंस टू व्हाट, विथ रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज सर्विस कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, सॉफ्टवेयर एज सर्विस बायर कैन कस्टमाइज देयर यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज द डाटा फील्ड, यस। व्हाट इज सो,
तो ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब क्या है? देखो भाई, हम कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कोई भी चीज सर्विस को इस्तेमाल करना है तो क्या करना पड़ता है, अपने को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अपने को कोई गेम खेलना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, अपने को इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या कोई भी गेम जैसे कि पबजी है, पबजी क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर सर्विस नहीं है। लेकिन अपने को जीमेल इस्तेमाल करना है तो ऑनलाइन जाके जीमेल इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज़ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब इंटरनेट की मदद से आप सर्विस का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो यूज़र होता है उसको कस्टमाइज भी कर सकता है, यूज़र जो होता है उसको कस्टमाइज भी कर सकता है, और क्या है इसमें, ये एक्सेस कर सकता है मोबाइल डिवाइसेस पे, कहीं भी एक्सेस कर सकता है। ये अपने पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का मतलब है। सो पहला स्टेटमेंट क्या है, SaaS दैट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बायर कैन कस्टमाइज देयर यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डाटा फील्ड्स। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल होता है यार। सेकेंड, सॉफ्टवेयर एज सर्विस यूजर कैन एक्सेस देयर डाटा थ्रू देयर ओन मोबाइल डिवाइस, ये भी सही है, मोबाइल डिवाइस से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, आउटलुक, हॉटमेल एंड याहू मेल आर फॉर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज सर्विस, ये भी सही है। हमने तो बोला है कि इंटरनेट पे जाओ, याहू लॉगिन करो और वहाँ पे आपके डाटा, आपके सर्विस दिख सकते हैं। सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज 1, 2 and 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 34th नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि न्यूज़ में था, इसीलिए आपको पता होना चाहिए, या फिर एक बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्या है ये, फर्स्ट ये क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ठीक। अ हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इन टू स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन स्पेस, बी स्टेट बी नंबर का ऑप्शन है। अ स्पेस क्राफ्ट लैंड्स ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन, सी अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन अर्थ। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके लिए, विथ रेफरेंस टू फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, अपने पास एक ऐसा है, अपने पास क्या होता है, एक ऑर्बिट होता है, तो यहाँ से हम अर्थ से भेजा उसको ऑर्बिट में, फिर ऑर्बिट से क्या होता है, एक पॉइंट पे आके लैंड करता है, ओके। सो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, और डी तो गलत हो जाएगा क्योंकि थर्ड सही है। उसके बाद 34 के बाद 35th नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन। क्यूबिट का मतलब क्या है, इसको दो पार्ट तोड़ते हैं, क्यूबिट्स, क्यूबिट्स का मतलब क्या है, क्यूबिट्स का मतलब है क्वांटम बिट्स, क्यूबिट का मतलब क्या है, क्वांटम बिट्स। ओके, सो नाम में ही समझ आ रहा है क्वांटम, सो इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, ओके। 36th नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, पहला है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, सेकेंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। विच ऑफ दी अबव आर कंसिडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इनमें से किसको शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी कंसिडर्ड करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज सीसी, दिस इज सीसीटीवी, मतलब क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी RFIT, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, और वायरलेस नेटवर्क मीन्स VLAN। हमसे पूछा है शॉर्ट रेंज डिवाइस और फिर टेक्नोलॉजी कौन सी है, तो जो सीसीटीवी होता है वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज डिवाइस ही तो होता है कि एक पर्टिकुलर जगह के लिए तो होता है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर जगह के लिए तो होता है कि जहाँ पे सीसीटीवी होता है वो दो बस कुछ 10-20 मीटर के एरिया को तो क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, देख पाता है, सो इट इज़ अ शॉर्ट रेंज डिवाइस। सेकेंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो कि अपना जो फास्टैग जो काम करता है वो छोटे रेंज पे तो काम करता है यार, जैसे कितना काम करेगा, इतना इतना इतना, ठीक है। सो इट वर्क्स ऑन अ शॉर्ट रेंज डिवाइस, इट इज अ शॉर्ट रेंज डिवाइस, इट वर्क्स ऑन ओनली अ शॉर्ट रेंज, सो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जो वाईफाई होता है वो हम लोग जैसे क्या करते हैं पूरी बिल्डिंग में, और जैसे कितना, दो बिल्डिंग, ठीक है, सो इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट रेंज डिवाइस।
हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ दी क्या पूछा, विच ऑफ दी अबव आर कंसिडर्ड शॉर्ट रेंज डिवाइस, सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल दी थ्री, 1, 2 and 3 आर कंसिडर्ड ए शॉर्ट रेंज डिवाइसेज। 36 हो गया। नाउ 37, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू। बिल्कुल सही यार, बायोफिल्म्स जो होते हैं वो मेडिकल इम्प्लांट्स पे बन सकते हैं, एक लेयर है, बायो मतलब लाइफ, फिल्म मतलब लेयर, सो एक लेयर बन सकती है बायोफिल्म की मेडिकल इम्प्लांट्स पे, बॉडी के अंदर बन रहे हैं तो बिल्कुल बन सकती है। सेकेंड, बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सरफेस। यार इसको देखो, लॉजिक से भी इस क्वेश्चन कर सकते हैं, लॉजिक से कैसे कर सकते हैं, बायो मतलब लाइफ, फिल्म मतलब एक लेयर, सो क्या फूड पे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, फूड पे भी बन सकता है ये। उसके बाद थर्ड, बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। बिल्कुल सही, एक लेयर बन जाएगी तो क्या हो जाएगा यार, एंटीबायोटिक्स मतलब यहाँ पे बायोटिक्स मतलब बैक्टीरिया नहीं आ पाएंगे, अगर बैक्टीरिया नहीं आ पाए तो क्या हो गया, एक तरह क्या हो गया यहाँ पे, ये रेजिस्टेंट हो गया ना भाई बैक्टीरिया से, सो इट इज इट कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे पूछा क्या, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 and 3, दिस थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स के लिए बताइए चीज़ें कौन सी सही है कौन सी गलत है। सो प्रोबायोटिक्स मतलब जो हमारे लिए अच्छी है, प्रो मीन्स गुड, एंडबायोटिक्स मतलब हमारे लिए जो अच्छी है वो हमको बताना है कि कौन सी इसमें से हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। फर्स्ट, प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। बिल्कुल सही है, प्रोबायोटिक्स किससे बनते हैं, बैक्टीरिया और ईस्ट से बनते हैं। सेकेंड, द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट अकर नेचुरली इन आवर गट। यार देखो, जहाँ पे भी एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाए ना, जहाँ पे भी एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाए, जहाँ पे ये लगने लगे कि यार ये तो अलग बोल रहा है, कुछ एक्सट्रीम पे जा रहा है ना, तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, और यहाँ पे ये गलत ही है यार। प्रोबायोटिक्स अपने इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, अपने पास वाइटामिन बी ट्वेल्व प्रोवाइड करते हैं, डाइजेशन करते हैं, ठीक है। सो दे आर फाउंड नेचुरली इन आवर गट, ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड, प्रोबायोटिक्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, मिल्क शुगर मतलब क्या है, लैक्टोज। बिल्कुल सही यार, प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है, अपने पास लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं कर पाता, मतलब मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, उनको प्रोबायोटिक्स देते हैं, जिससे क्या हो सकते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और वो मिल्क को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो थर्ड इज करेक्ट। हमसे पूछा क्या, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज 1 and 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो 39 नंबर क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट COVID-19 पेंडेमिक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस COVID-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। नहीं, जो कोविशील्ड है यार, इट इज अ टाइप ऑफ एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ओके, इट इज नॉट एन mRNA बेस्ड वैक्सीन, सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, स्पुतनिक 5 और स्पुतनिक वी वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वैक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये वैक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म से बना है। यहाँ पे हम वायरल वैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। यस, यहाँ पे क्या होता है, हम उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, है ना, वीकेंड कर देते हैं, वीक कर देते हैं, इट इज अ वीकेंड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन। हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज 2 and 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, If a solar storm reaches the earth, which of the following are the possible effects on earth? Possible effect क्या हो सकता है? देखो यार, solar storms क्या होते हैं, एक तरह का magnetic field produce करते हैं, तो magnetic field से जो जो effect आएंगी वो अपने पास यहाँ पे effect आ जाएंगे, ठीक है। सो पहला, GPS एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल। बिल्कुल सही है, क्योंकि GPS और नेविगेशन काम किस पे करते हैं, द GPS एंड नेविगेशन इट वर्क्स ऑन व्हाट, इट वर्क्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड्स, ओके, सो दिस कुड फेल, सो दिस इज करेक्ट।
सुनामी कुड अकर इन एट इक्वेटोरियल रीजन। यार बताओ, सुनामी जो होता है वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट से होता है, नॉट बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट। सो सेकेंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड, पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट कैन डैमेज दिस। फोर्थ, इंटेंस अरोरा कुड अकर ओवर मच ऑफ दी अर्थ। बिल्कुल सी, ये जो अरोरा बोरियालिस होते हैं, इट इज़ ड्यू टू व्हाट, इट इज़ ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन व्हाट, इट इज़ ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द सन एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द अर्थ। दोनों के इंट्रैक्शन से क्या होता है, अरोरा बोरियालिस देखने को मिलता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो जो इंट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर ये इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो जो अरोरा होंगे क्या होंगे, पूरे अर्थ में देखने को मिलेंगे, ऑल ओवर द अर्थ देखने को मिलेंगे, या फिर मच ऑफ द एरियाज ऑन अर्थ देखने को मिलेंगे। सो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। फिफ्थ क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट। यार बताओ एक बात को यार, ये वैसे ये देखो क्या लगता है, सोलर फ्लेयर सुन के लोगों क्या लगता है, सोलर फ्लेयर मतलब आग के पूरे लपटे आने वाले हैं, पूरे धरती को जला के राख कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नेटिक एक रेंजेस है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। सो इट रिजल्ट इन सम मोर इंटेंस फॉरेस्ट फायर इन द इक्वेटोरियल रीजन, बट नॉट ऑन टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लेनेट। ये ऐसा नहीं होगा, पूरे प्लेनेट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो फिफ्थ इज इनकरेक्ट। सिक्स्थ, ऑर्बिट ऑफ द सनलाइट ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब। बिल्कुल सी, ये मैग्नेटिक फील्ड पे काम करते हैं। सो अगर यहाँ पे तेजी से आए तो क्या हो सकता है, ऑर्बिट क्या हो सकता है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है। सेवन्थ, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। बिल्कुल सी है, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। सो इट यूज रेडियोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट कैन, मतलब इससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। सो यहाँ पे सही हो जाएगा। सेवन्थ हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट छोड़िए इनकरेक्ट बताइए। सेकेंड एंड फिफ्थ इज इनकरेक्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ को हटा दिया तो आंसर क्या हो गया, सी दैट इज 1, 3, 4, 6, 7 ओनली इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है अपने पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर बी सेल्स और टी सेल्स का रोल क्या है। यार ये कोई भी बाहर से कोई भी पैथोजन आता है ना, ये पैथोजन क्या करते हैं, मार देते हैं पैथोजन को। कोई भी एक्सटर्नल पैथोजन क्या करना है, मारना है इनका काम। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा बोलता है, दे प्रोटेक्ट दी बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जेंस। गलत है, एलर्जन से नहीं पैथोजन से मारते हैं। दे मतलब बेस्ट ऑप्शन ये नहीं होगा, पैथोजन बेस्ट ऑप्शन होगा। दे एलिवेट दी बॉडी पेन एंड इन्फ्लामेशन, यार ऐसा नहीं है। दे एक्ट एज इम्यूनो सप्रेशन इन द बॉडी, नो ये इम्यूनो सप्रेशन नहीं है, ये इम्यूनोजेनिक है, ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, मतलब सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज कॉज बाय पैथोजन, बिल्कुल सही है। ये क्या करते हैं, जो बी सेल्स और टी सेल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करते हैं। सो दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वॉट, फ्रॉम डिसीज कॉज बाय पैथोजन। सो डी इज करेक्ट। नाउ 98 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अदर देन दोज मेड बाई ह्यूमन्स नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। यार ऐसा है ही नहीं, ये एक्सट्रीम वर्ड लग रहा है ना, सुनने से क्या लग रहा है, एक्सट्रीम लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि भाई नैनो पार्टिकल मिलते ही नहीं है नेचर में, ऐसा ही नहीं है। क्योंकि जो पहला नैनो पार्टिकल जो डिस्कवर किया गया था, इट इज व्हाट, इट इज फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन इज नेचुरली अकरिंग। ओके सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स, जैसे कि अपने पास टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो उसको बहुत समय तक सनस्क्रीन के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता था। बट अब क्या हुआ, इसका देखा गया कि जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है इसकी क्या होती है, कैंसर कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, कैंसर कस कर सकता है, इसीलिए अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो अब क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट मतलब सही हो जाएगा कि इसको कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स विच एंटर द एनवायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमन, बिल्कुल सही है। जैसे कि है ना, नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो जैसे कि कौन सा अपने पास क्या नहीं होता है, ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये अपने लिए ज़्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ये क्या कर सकते हैं, कैंसर कस कर सकते हैं, अपने पास डीप पेनिट्रेट करते हैं तो टिश्यू को डैमेज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। हमसे पूछा क्या, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज क्या पूछा है हमसे, करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 2, 3 ओनली इज करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रीलिम्स 2022,
विथ रिगार्ड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. डीएनए बारकोडिंग कैन बी अ टूल टू. डीएनए बारकोडिंग एक तरह का क्या है, टूल है किसके लिए. पहला एक्सेस द एज ऑफ द प्लांट और एनिमल. यार देखो ये जो एक्सेस एज के लिए क्या करते हैं, एज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो एक्टिव मेथड. ठीक है, बार कोडिंग से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन. नाम समझ रहा है, बार कोडिंग क्या है समझना. बार कोडिंग का मतलब है आइडेंटिफिकेशन. बार कोडिंग का मतलब है आइडेंटिफिकेशन. जो कोई भी कंपनी होती है किसी चीज़ पे बार कोड देती है, क्यों देती है, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस. उसकी उसको आइडेंटिफाई कर पाए, हम क्या कर पाए, उसको आइडेंटिफाई कर पाए, इसलिए क्या देती है, वो अपने पास बार कोड देती है. सो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेस एज ऑफ प्लांट और एनिमल, ये गलत हो जाएगा. सेकेंड टू डिस्टिंग्विश अमंग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, बिल्कुल सही है. जो सेम सेम चीज़ें दिख रही है उनके बीच में बार कोड देते क्या होगा, हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो जाएगा. सो सेकेंड इज करेक्ट. बार कोडिंग का मतलब वाट, एक टर्म बार कोडिंग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन. ओके सी आइडेंटिफाइड अनडिजायरेबल प्लांट्स और एनिमल मटेरियल इन अ प्रोसेस फूड, बिल्कुल सही है. अनडिजायर्ड मटेरियल क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है बार कोड. हमसे पूछा करेक्ट, करेक्ट इज डी, दैट इज 2 and 3.